के साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वाइस ऑफ एमपी। वाइस ऑफ एमपी से खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं नीमच जिले के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश जी तौर। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो हेल्थ को लेकर, बच्चों के शिशु को हेल्थ को लेकर ये क्या टिप्स देते हैं, इनसे बात करते हैं। तौर योगेश जी नमस्कार, वाइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है, किस तरह की बच्चों में जो अभी उत्पन्न बीमारियाँ हो रही है उसको बचाव को लेकर और नई नई बीमारियों को लेकर आपका क्या कहना है? जी नमस्कार मुश्ताक जी, मेरा अभी ये कहना है कि जो ये जब भी ये मौसम बदलता है तो सबसे पहले जो है बच्चे, 5 वर्ष से छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित वो होते हैं, और इसमें 95% बीमारियां जो है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती हैं। इसके लिए बेवजह हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इतना कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो सबसे पहले जो वायरस ये फैलता है, ये हवा के थ्रू फैलता है, तो इसमें आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे मुँह में फिंगर्स लेते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन इसी से होता है। तो इसमें फ्लू वायरस अभी बहुत फैला हुआ है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। कोविड भी एक फ्लू वायरस का टाइप है, लेकिन वो एक अलग है, वो बच्चों में इतना प्रभाव नहीं डाल रहा है। फ्लू वायरस जो चल रहा है अभी, वो स्टमक फ्लू वायरस चल रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस इसका नाम बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे नाक और गले से ट्रेवल करता हुआ हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन आंतों तक पहुँचता है। तो इसमें पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, भूख नहीं लगना, ये सब चल रहा है। तो बस इसमें आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लेने की ज़रूरत होती है। इसमें वेट और वॉच करें, 72 घंटे में आपके सिम्टम अपने आप रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपल फीवर आने पे आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, और ज़्यादा वॉमिट होने में सिंपल वॉमिट की सिरप ले सकते हैं। बाकी आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स से दूर ही रहें तो अच्छा है, और इस समय आपको नारियल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। वो एक नेचुरल ORS है, तो बॉडी जितना डिहाइड्रेट होगी, बॉडी को, इम्यून सिस्टम को उससे लड़ने का मौका मिलेगा। और दूसरा जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान अभी अगर इंसानों के बॉडी को किसी चीज़ से हो रहा है तो वो है मिल्क। ये बड़ा सुनने में एक शॉकिंग है आप सभी के लिए, जो भी इसको सुनेगा वो एक उसके लिए आश्चर्यजनक बात होगी कि दूध कैसे नुकसानदायक है। तो जो मिल्क होता है, इसके इतने नुकसान है कि मैं आपके जितना लंबा बताना चाहूँ उतना कम है। फिर भी उसमें आपको ये जानना ज़रूरी कि प्रकृति से हमें सीखना है। गाय का जो दूध होता है वो गाय के बच्चों के लिए है, जब गाय का बेबी होता है तो वो उसके लिए होता है। हम उसको चुरा के तो पाप कर ही रहे हैं, प्लस हमारा जो शरीर है वो उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं है। हमारी जो आंतें हैं, हमारा बॉडी का जो जीन्स है, स्ट्रक्चर है, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीन्स को ख़राब कर रहा है। तो आपको जीन्स लेवल पर डैमेज हो रहा है। तो इसलिए हमें कुदरत से सीखना है, प्रकृति से सीखना है। मम्मी को दूध क्यों आता है, 2 साल तक मिल्क आता ही इसलिए क्योंकि वही हमारे लिए ज़रूरी होता है। और सारे लोग कैल्शियम के चक्कर में सोचते हैं कि और कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम चाहिए। तो प्रकृति ने हमें इसीलिए मम्मी को दूध 18 महीने से 24 महीने के आसपास आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो अक्सर मम्मियाँ ये करती हैं कि मुझे कम आ रहा है तो मैंने ऊपर का चालू कर दिया। तो ये आप बंद करें, कम से कम 1000 बीमारियाँ आपको अपने जीवन में नहीं होंगी। जितने साइलेंट अटैक्स आ रहे हैं अभी, इसका मोस्टली कारण मिल्क है, रिफाइंड तेल है, वाइट शुगर जो हम सब यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह हमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। वाइट शुगर लाना बंद करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल की जगह हमें कच्ची घानी तेल यूज़ करना चाहिए, फिल्टर ऑयल यूज़ करना चाहिए, और वो भी कम से कम करें तो बहुत ही अच्छा है। जितना हमारा वज़न है उसमें आप उसका जो 10% या 5% पार्ट है वो आप कच्ची सब्जियों और सलाद में डाल दीजिए, तो आप 90% वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। मान लीजिए आप 50 किलो के हैं तो आपको 250 ग्राम कच्ची वेजिटेबल सुबह और 250 ग्राम शाम को खाना है। ये आप आदत बच्चों में डालें, और रोज़ 20 मिनट के लिए आपको वॉक करना है, सिंपल चलना है, कोई जिम विम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, बातें और भी हैं, अगले इंटरव्यू में आपसे मुलाकात करते हैं। कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जिस तरह से बच्चों में विशेष रोग आता है, जिससे बच्चे मिट्टी खाते हैं, काफ़ी रोते हैं, पेट दर्द होता है, उसको लेकर किस तरह का बचाव होना चाहिए? हाँ, मिट्टी खाना ये बहुत ही अभी बहुत ज़्यादा बच्चों में आम बीमारी हो गई है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मिट्टी खाते बच्चे इसलिए हैं क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है। जो पोषक तत्व उनको मिलना चाहिए ब्रेन को, वो नहीं मिलते हैं। तो ब्रेन उनको ये कमांड देता है कि आप उल्टी सीधी चीज़ें खाइए, जिनमें न्यूट्रिशन नहीं है वो चीज़ें खाइए, पेन खाइए, पेंसिल खाइए, ये ब्रेन उसको बोल रहा है। आप उन्हें कितना भी डांटें, आप उनको कितना भी मार लें, लेकिन वो उसकी, जैसे शराबी को शराब की लत होती है, उसको एडिक्शन हो जाता है कि ये खाना है मुझे। तो ये आयरन डिफिशियंसी के कारण बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन B12, जिंक, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आपको मेंटेन करेंगे तो आप 2 से 3 महीने में आप चाहेंगे तो वो भी नहीं खाएगा। तो इसके लिए
जब भी क्या करना है आपको, एक तो मिल्क इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर, जितनी भी वाइट चीज़ें हैं उसमें आयरन नहीं है, तो आयरन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के ज़्यादा बच्चे दूध पर निर्भर हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सारी बीमारियाँ लगभग लिंक हैं इनसे। तो जब मिट्टी खाएंगे तो मिट्टी में अंदर कीड़े के अंडे होते हैं, तो वो कृमि हमारे पेट में हो जाते हैं, तो वो हमारा खून और अंदर से उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता आयरन को, और खून भी हमारा ब्लीड के थ्रू बॉडी में ब्लीडिंग होती है, तो ये सब होता है। कब्जियत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो उसका और खाना बंद हो जाएगा काम की चीज़ें, तो वो सिर्फ मिल्क पे रहेगा तो और नुकसान स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसमें आयरन उनको दीजिए और डीवॉर्मिंग करिए, कीड़े की दवा उनको दीजिए और 2 से 3 महीने आप दीजिए, वो बिल्कुल मिट्टी छूट जाएगी और एनीमिया से भी रिकवर हो जाएगा और उसकी हेल्थ में भी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि मौसम बदलने के बाद बच्चों को सर्दी, जुकाम, नमूनिया और फसलियाँ चलने लग जाती है, उससे बचाव के लिए आपकी क्या टिप्स है? जो फसलियाँ चलती हैं आजकल जब मौसम बदलता है, तो ये जो कॉमन इसका सबसे बड़ा कारण है निमोनिया, तो निमोनिया के लिए आजकल वैक्सीन आ गए, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर आप करेंगे तो निमोनिया के केसेस आपको मिलना बहुत कम हो जाएंगे। मैं मेरी डे टू डे प्रैक्टिस में आपको बता सकता हूँ कि मुझे महीने में शायद या 1 या 2 बच्चे मिलते होंगे, ज़्यादातर वो सिंपल कफ कोल्ड ही होता है जिसको सब लोग निमोनिया का नाम दे देते हैं। तो हर बार पसली चलना निमोनिया नहीं होता है, निमोनिया के लिए आप बस अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलें और उसका वैक्सीनेशन कराएं। अभी देखा जा रहा है कि मौसम करवट बदलने के बाद मौसम ने एकदम चेंज हुआ है, तो अभी किस तरह के जो बच्चे किस तरह के पीड़ित बच्चे आपके पास आ रहे हैं? मौसम परिवर्तन के बाद अभी फ्लू वायरस के ही बच्चे मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, डेंगू मुझे बहुत कम मिल रहा है, टाइफाइड बहुत कम है, अभी मलेरिया सीजन भी बहुत कम है। 100 या 200 बच्चों में कोई एक या बहुत पेरिफेरी से आने वाला है उसमें ये मिल रहा है, ज़्यादातर सारे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के भी लक्षण है। और मैंने आपको बताया कि ये पहले भी बताया कि फ्लू वायरस ये चल रहा है और ये 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, बस जब हमें जो ज़्यादा लक्षण हो, जो ज़्यादा तकलीफ हो, उसी की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें और ज़्यादा कुछ ना करें, खूब सारा पानी और कोकोनट वाटर आप पिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ बाल शिशु रोग डॉक्टर योगेश जी तोर, जिन्होंने बताया कि बच्चों के बचाव के लिए किस तरह के टिप्स अपनाना चाहिए, कोकोनट पानी पिए और जहाँ तक हो सके खूब अच्छी अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। मेरे सहयोगी आशीष हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की ये खास रिपोर्ट।